स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ब्यूटी सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये स्वीट सा, इजी सा, बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक। देख सकते हैं आप मेरे स्किन पे जो ग्लो नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। एंड इसको मैंने अचीव किया है मात्र 3 प्रोडक्ट यूज़ करके, जी हाँ, जो कि हैं लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से। तो चलिए जान लेते हैं कि स्किन बैग में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे रिसीव हुई हैं, प्लस कैसा है इनका रिव्यू, डेमो, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। एंड साथ ही साथ आपको ये देखने को भी मिलेगा कि मात्र 3 प्रोडक्ट से कैसे मैंने इतना बढ़िया सा ग्लोई ड्यूई सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जान लेते हैं पूरी डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, ये रिसीव हो चुका है मुझे लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे रिसीव हुई है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा ये बैग है एंड ये जूट का बैग है। ये देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो वीविंग वाला, जूट वाली वीविंग होती है, बिल्कुल वैसा सा है, काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है। और इसको आप अपने ब्यूटी बॉक्स की तरह से डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जिपर आपको मिल जाता है यहाँ पर एंड देखिए इस तरीके से ये जिपर ओपन करने पर यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से। एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन इज़ लोटस ऑर्गेनिक्स सीरम। ये ब्राइटनिंग सीरम है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ ये देखिए इस तरीके से ये पैकेट मुझे रिसीव हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी इसकी पैकेजिंग है। ये देखिए ये ऐसा सा रिसीव हुआ था, मैंने यूज़ करने के बाद में वापस से इसे डाल दिया है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, आपके साथ शेयर करना था। ये लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से सनस्क्रीन है जो कि SPF 50 की है एंड ये सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है आपके टैनिंग को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए। एंड सनस्क्रीन स्पेशली आपको टैनिंग से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है डेफिनेटली। एंड ये है फेस वॉश जो कि है लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से फेस वॉश। ये ब्राइटनिंग फेस वॉश है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है हर एक स्किन टाइप वालों के। तो चलिए इन सारे प्रोडक्ट्स को डिटेल में देख लेते हैं और जान लेते हैं इनकी गुडनेस को। दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से, फेस वॉश, ये ब्राइटनिंग सीरम एंड सनस्क्रीन। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेफिनेटली आपके किट में ज़रूर से होने चाहिए हैं। जब भी आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं डेफिनेटली आपके किट में ये ज़रूर से होने चाहिए हैं। अगर इतनी चीज़ ही आपने अपने लिए रखी है स्किन केयर में तो ये आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है। ना ही सिर्फ ये आपके स्किन को ब्राइटन अप करेगा बल्कि आपके हर तरीके की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेगा। फेस वॉश क्लीन करेगा, आपके क्लियर करेगा स्किन को। इसके बाद में सीरम जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, साथ ही साथ ब्राइटन अप भी करेगा। एंड द लास्ट वन इज़ द SPF। और ये 3 चीज़ें ही आपको किसी भी टाइम में, कभी भी आप कहीं घर में रहो या कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, डेली बेसिस पे आपको ये 3 प्रोडक्ट्स ज़रूर से यूज़ करने चाहिए हैं। थम्स अप प्रोडक्ट हैं, बेस्ट प्रोडक्ट हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है लोटस ऑर्गेनिक्स का प्रेशियस ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से प्यारी सी एकदम बेबी पिंक कलर की इसकी पैकेजिंग रिसीव हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। 99% नेचुरल है, 100 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वान्टिटी रिसीव हो जाती है एंड ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फेस वॉश है, आपको ऑब्वियसली आपकी स्किन को क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेमो और कैसा रहा इसका रिजल्ट मेरे स्किन पर, ये भी जानते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इस समय मैं बे फेस हूँ एंड इस समय अभी मैंने फेस को क्लीन भी नहीं किया है तो बिल्कुल इस तरीके से मेरे फेस दिख रहा है, स्किन दिख रही है। एंड देखिए आप, अब मैं इसको कैसे क्लीन करने जा रही हूँ और कैसे मैं रेडी होने वाली हूँ तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से ये किट जो आपने डेमो में देख लिया है कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। तो मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ करके आज पूरा लुक क्रिएट करने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि आप डेमो में पूरा देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली आप सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपना एवरीडे मेकअप लुक बड़े ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले मैं आपके साथ में फेस वॉश को यूज़ करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फेस वॉश जो कि लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से है एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी क्लासेस से इसकी ट्यूब पैकेजिंग मिल जाती है। बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक कलर है एंड इट्स ऑसम कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर है एंड ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट रहता है। इसको यूज़ करके आपके स्किन पे ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाता है। एंड चलिए मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ कि कैसा है ये एंड साथ ही साथ में आप यहाँ पर डेमो भी देखेंगे कि किस तरीके से ये मेरी स्किन पर इफेक्ट करने वाला है।
राइट नाउ आप देख रहे हैं ये मेरी स्किन, एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करने के बाद में क्या इफ़ेक्ट आता है। सो फ्रेंड्स देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा सा ये है एंड ये देखिए बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बढ़िया सी है, सूदिंग फ्रेग्रेंस है, मतलब ये बिल्कुल भी आपको बॉदर नहीं करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें फ्रेग्रेंस प्रॉब्लम करती है एकदम लिख पट्टी, नहीं ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है। एंड यस आपको थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, जैसा नॉर्मल आप फेस वॉश लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ नया है। एंड यस अब इसको आपको लदक करना है, अप्लाई करना है, दिस इज द कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो कभी भी ड्राई फेस पे फेस वॉश नहीं यूज किया जाता है, वेट करना है फेस वॉश के लिए, मैं ये रोज वाटर यूज कर रही हूँ। सो यस देखिए मैंने फेस वेट कर लिया है एंड अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छे से आपको लेदर कर लेना है इसको, इसकी फ्रेग्रेंस ऑसम है, ऑसम फ्रेग्रेंस है, मतलब बहुत ही बढ़िया माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि खाली फेस वॉश यूज़ करने से आपको इस पे जो है ब्राइटनिंग इफेक्ट मिल जाएगा आपके फेस पर, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। सो यस आपको अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, अच्छे से अप्लाई कर लीजिए एंड देखिए ये लेदर होना स्टार्ट हो गया है। इसको आपको क्या करना है, जस्ट हल्के हाथों से आपको अपने फेस पर मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में हल्का सा मसाज कर लीजिए 1 से 2 मिनट तक। ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी आपकी स्किन से डर्ट होगा वो भी रिमूव हो जाएगा एंड साथ ही साथ जो इस प्रोडक्ट की गुडनेस है, जो ब्राइटनिंग इफेक्ट वाली चीज़ है, वो भी आपकी स्किन में आएगी, बिल्कुल से आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी। बेसिकली क्या होता है, जब आप इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए यूज़ करते हो तो ये ना सिर्फ आपकी स्किन के हर एक पॉइंट से अच्छे से डर्ट को क्लीन आउट कर देगा, बल्कि साथ ही साथ में जो है ना जितने भी आपके डेड स्किन सेल्स होंगे वो भी रिमूव होंगे, जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है वो भी आएगा। जल्दी से मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, ये स्किन कितनी अच्छी ग्लोई सी लगने लगी है सिर्फ फेस वॉश को यूज़ करके। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं ब्राइटनिंग इफेक्ट की जो बात है वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही होगी। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर मेरे चीक्स पर, यहाँ पर बिल्कुल स्किन ग्लोई सी लगने लगी है। एंड अगर मैं बात करूँ मेरी स्किन की कि कैसा मैं फील कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सपल स्किन लग रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रही है, अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक जो डर्ट रिमूव होने के बाद में एक गुडनेस ही फील होती है, डेफिनेटली मुझे यही फील हो रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो गई है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड अगर आप खाली इस फेस वॉश को ही यूज़ कर रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखिए इसके बाद में बस आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है, क्योंकि जाड़ों का सीज़न है तो हाइड्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है, आपको अपने फेस पे सीरम लगाना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अप्लाई कर लेते हैं सीरम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से प्रेशियस ब्राइटनिंग सीरम एंड क्रीम, जो कि बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन को ल्यूमिनस बनाने में, फ्लॉलेस दिखाने में हेल्प करती है। माइल्ड सी फ्रेग्रेंस के साथ आती है ये भी एंड हर एक स्किन टाइप वालों को ये अच्छे से सूट करेगी। इस तरीके से कार्डबोर्ड की पैकेजिंग मिल जाती है, काफी ज्यादा बढ़िया पैकेजिंग है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर देखिए आप साफ लिखा हुआ है 99% नेचुरल प्रोडक्ट है ये, और बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो कहीं से भी आपको हार्म नहीं करने वाला है। यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएंगी, ये है इसकी MRP एंड इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी, बेस्ट बिफोर, सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन है। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है। कुछ इस तरीके की ये बॉटल आपको रिसीव हो जाएगी, बहुत ही प्यारी सी बेबी पिंक कलर की बॉटल है एंड बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, स्मॉल सी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। इस तरीके से आपको पंप पैकेजिंग रिसीव हो जाती है। इसका डेमो आप आगे देखेंगे तो बने रहिएगा वीडियो में, ध्यान से देखिएगा इसका डेमो, मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये है लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से सीरम एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से प्यारी सी छोटी सी बॉटल में मिल जाता है, ये पंप पैकेजिंग है एंड ये भी अगेन ऑल स्किन टाइप है एंड दिस इज 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी रिसीव हो जाती है। ये देखिए
बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है, छोटी सी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली है। डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट्स अपने एवरीडे एसेंशियल किट में ज़रूर से रखने चाहिए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया इसकी पैकेजिंग है, साउंड आई? मतलब ये एकदम बढ़िया सी है, कहीं से भी आपके हैंडबैग में, आपके वैनिटी बॉक्स में कहीं से भी स्पेल आउट नहीं होने वाली है ये सब चीज़ें। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड चलिए अब इस सीरम की कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि कैसा है ये सीरम। पम्प पैकेजिंग होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है ये आपके लिए। एंड देखिए दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, ये है सीरम, बिल्कुल वाइट कलर में है। एंड इसको आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर, जस्ट आपको अपने फेस पर मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, आपको स्किन को हाइड्रेटेड बनाना है, तो उसके लिए सीरम बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, यस दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, आई थिंक आप प्रॉपरली विजिबल है। एंड ये देखिए बहुत ही माइल्ड फ्रेगरेंस है इनकी प्रोडक्ट्स की, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है, मतलब प्यार हो जाएगा उस फ्रेगरेंस से, बहुत ही माइल्ड फ्रेगरेंस है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से ये सीरम भी अप्लाई हो गया है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने कुछ बहुत ही हैवी सा लगा रखा है, बहुत ही लाइट वेटेड है, इजीली ये आपके स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाने वाला है। एंड आप देख सकते हैं ये सीरम मेरे स्किन पर बिल्कुल सिंक इन हो चुका है, कहीं से भी चिपचिप नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ गया है। एंड आप देख सकते हैं स्किन में डिफरेंस, कितना बढ़िया डिफरेंस नज़र आ रहा है स्किन में, बिफोर एंड आफ्टर आपको बिल्कुल से समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट को यूज़ करके आप कितनी अच्छी स्किन हो सकती है। एंड अगर आप डेली बेसिस पे इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा बढ़िया आपकी स्किन को ये बना देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी सी फील आ रही है एंड बिल्कुल भी ये चिपचिप नहीं हो रहा है, लाइट वेटेड है। साथ ही साथ आप इस प्रोडक्ट ने स्किन को जो है बहुत ही अच्छे से नरिश कर दिया है, हाइड्रेट कर दिया है। एंड ऐसी हाइड्रेटेड स्किन के ऊपर जब आप अपना मेकअप करेंगे सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बढ़िया मेकअप बेस का काम करने वाला है। दिस सीरम इज थम्स अप प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से शीर ब्राइटनिंग मिनरल सनस्क्रीन, जो कि SPF 50 के साथ में रिसीव हो जाती है। एंड इसके अंदर माइल्ड सी फ्रेगरेंस है जो कि हर एक स्किन टाइप वालों के लिए सूट करेगी ये सनस्क्रीन। और जाड़ों के दिनों में भी सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जाड़ों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा धूप में बैठते हैं सब लोग ठंड से बचने के लिए, और ऐसे टाइम पर टैनिंग होना स्वाभाविक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी टैनिंग से बचें तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन ज़रूर से प्रोटेक्ट यूज़ करनी चाहिए एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। एंड ये भी 99% नेचुरल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी रिसीव हो जाती है एट द MRP ऑफ 695 रुपीज़। और चलिए अब इसकी मैं दिखा देती हूँ कि कैसा इसका टेक्सचर है और किस तरीके की ये क्रीम है और कैसा इसका इफेक्ट आता है, वो भी बात करेंगे। एंड लास्ट स्टेप इज फ्रेंड लोटस ऑर्गेनिक्स का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवन इन डेज ऑफ विंटर ऑल्सो, मैंने आपको अभी बताया जैसे कि इसके इंट्रो में कि सनस्क्रीन हमें विंटर में क्यों लगाना चाहिए। सो डेफिनेटली आपको भी सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं से करना चाहिए, चाहे समर डेज हों चाहे विंटर डेज हों। तो चलिए इसको भी मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ एंड इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मूथ सा टेक्स्चर है इसका भी एंड वाइट इन कलर है, बहुत ही बढ़िया सी है ये देखिए दिस इज द प्रोडक्ट। एंड इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा है ये भी, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे होते हैं ना जो फेस पे लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग से लगते हैं, चिप चिप से लगते हैं, नहीं बिल्कुल भी वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छे से आपके स्किन पर लग जाएगा। एंड यस एंड एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी चाहिए, सनस्क्रीन जब भी आप लगाते हो तो सिर्फ आपको अपने फेस पर नहीं लगानी है, आपको उतने नेक एरिया पे, हैंड्स पर, जितना भी पोर्शन आपका ओपन अप रहता है उतने पार्ट में आपको ज़रूर से सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए, सो दैट कहीं से भी आपके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं सन के, सन रेज के, वो आपकी स्किन को डैमेज ना कर पाए। सो देखिए ये मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड यस कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाने वाली है आपके स्किन में, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। एंड देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गई है, कहीं पे भी कोई वाइट कास्ट नहीं दिखाई देगा, बहुत ही अच्छे से मैंने नेक एरिया पर भी अप्लाई किया है, हैंड्स पर भी अप्लाई किया है, क्योंकि इतनी जगह जो आपकी स्किन की एक्सपोज होती है सन में, इसमें आपको जो है सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़रूरी है। एंड आप देख सकते हैं ये स्किन
कितना बढ़िया इफेक्ट आया है ये तीन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, मात्र कितनी अच्छे से स्किन ग्लोई सी बढ़िया से दिखने लगी है। सो यस, डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल किट मैं बोलूँगी आपको, और आपकी ट्रैवलिंग के टाइम पे या फिर डेली बेसिस में आपकी किट में ज़रूर से ये प्रोडक्ट होने चाहिए हैं। एंड सिर्फ इन तीन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा डेली ड्यूई सा मेकअप विंटर लुक कर सकते हैं। समर्स में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, विंटर्स में तो बेस्ट प्रोडक्ट लग ही रहा है मुझे, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये आपकी स्किन पर आ जाएगा। एंड यस, लुक एट द शाइन। ये प्रोडक्ट्स के अलावा मैंने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो चलिए अब इसके साथ में। एंड फर्स्ट आई एम हेयर, सिर्फ बिंदी काजल और लिपस्टिक लगाई है मैंने। एंड यस, दिस इज द फाइनल लुक। तो खाली ये तीन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके डेफिनेटली आप भी पा सकते हैं डेली बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा एक अच्छा सा लुक। डेफिनेटली आपको भी ये प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करना चाहिए, है मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल से इन्हें ट्राई आउट करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अगर ये तीन प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीडे लुक आप बड़ी ही आसानी से सिर्फ इन तीन प्रोडक्ट से ही यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए ये ग्लो जो नज़र आ रहा है, मैंने कोई हाईलाइटर यूज़ नहीं किया है, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये तीन प्रोडक्ट्स आपके सामने अभी डेमो किए हैं, यूज़ किए हैं। एंड इसके बाद में मैंने सिर्फ ऑफ कैमरा बिंदी काजल और ये लिपस्टिक लगाया है, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आपको भी डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ट्राई करने चाहिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो और रिव्यू इन प्रोडक्ट्स के बारे में। होपफुली आपको पसंद आया होगा, ज़रा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।